तो तत्पद वाचार्थ तत्पद लक्ष्यार्थ तुम पद वाचार्थ तुम पद लक्ष्यार्थ बता दिए थे। अज्ञान आदि समष्टि उससे उपहित जो चैतन्य और अनुपहित चैतन्य तीनों का तादात अध्यास तत्पद वाचार्थ है, और बाकी दो से रहित केवल अनुपहित चैतन्य लिया जाए वो तत्पद का लक्ष्यार्थ होगा। इनमें तम पदार्थ में भी अज्ञान आदि जो वृष्टि उस उपहित अल्पक्या विशिष्ट जो चैतन्य और अनुपहित चैतन्य तीनों के तहत अध्यास हो उसको तम पद वाचार्थ कहा जाता है। और एदार्श उपाधि और उपहित चैतन्य दोनों छोड़ के आधार अनुपहित जो चैतन्य है वो वहाँ पर भी तम पद का लक्ष्यार्थ है। अथवा महावाक्यार्थो वर्णित है। अब जो है इसलिए तदनंतर महावाक्यार्थ को वर्णन किया जाता है। वाक्यार्थ वर्णीयते कहना चाहिए, महा क्यों जोड़ दिया, उनको महावाक्य क्यों कहते हैं, वाक्य है कि देखो संसार में जितने वाक्य हम लोग प्रयोग करते हो दो ही प्रकार के वाक्यम द्विविधम। एक होता है संसृष्टार्थावबोधकम वाक्यम, दूसरा है अखंडार्थावबोधकम वाक्यम, लोक में भी वेद में भी। और अधिकतर हम लोग संसृष्टार्थावबोधक वाक्य का ही प्रयोग करते हैं, संसृष्टम और अखंडार्थम च। संसृष्टार्थ क्या हो है, संबंध आय से विशिष्ट हो, जाति संबंध गुण द्रव्य है ना, शब्द के द्वारा विशिष्ट होकर बोलने वाले, तो संशिष्टार्थ बोधक वाक्य का है या संशिष्टार्थ वाक्य। और अखंडार्थ जहाँ पर जो वस्तु स्वरूप मात्र बोधक वाक्य होता है उसे अखंडार्थ वाक्य कहते हैं। किसने पूछा है जो रात में देखा और देखो बहुत दिख रहे हैं, चमक रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, इनमें से चंद्रमा कौन है, आप कहेंगे जो प्रकृष्ट प्रकाश है वही चंद्रमा है, वहाँ संशिष्टार्थ नहीं है, कोई संबंध आदि नहीं, जो स्पष्ट प्रकाश है वही चंद्रमा है, जो चंद्र है वह प्रकृष्ट प्रकाश रूप है, अखंडार्थ बोधक वाक्य कहा जाता है। ऐसे आप सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों को भी यदि भी अखंडार्थ मानते हैं, लेकिन अन्य लोग कहते नहीं वो भी संशिष्टार्थ ही है, इतर भी आवर्तकत्व न गृहित वाक्य है। अतएव संशिष्टार्थ वाक्यों को सामान्य वाक्य कहा जाता है और अखंडार्थ बोधक वाक्यों को महावाक्य। अखंडार्थ बोध कराना ही इसकी महत्व है, अतः महा शब्द प्रयोग हो गया। महावाक्यार्थ वर्ण्य होता है। इदम तत्त्वमसीति वाक्यम संबंधत्रेण अखंडार्थ बोधकम भवति। यह जो तत्त्वमसीत्याकारक वाक्य है चांदीय उपनिषद 6-8-7 तक प्रयुक्त है और अनेकों बार कहा गया है 16 तक, वह तीन प्रकार के संबंध के माध्यम से अखंडार्थ का बोधक है। संबंध त्रेण अखंडार्थ बोधकम, यह तार्किक का सबके दृष्टिकोण से कह देते हैं, नेशम सिद्धिकार सरेश्वर आचार्य जी का वचन के आधार पर। संबंध त्रय क्या है, समत्रयम नाम पदयो सामनाधिकरण्यम पदार्थी और विशेषण विशेष भाव प्रत्येगात्म लक्षण और लक्ष्य लक्षण भावस्थिति। इन दो पदों का सामानाधिकरण भी एक संबंध कहा जाता है, उससे भी अखंडार्थ का बोध होगा। अतः पद के जो पदार्थ है, पदजन जो पदार्थ प्रतीति है, उन पदार्थों का परस्पर विशेषण विशेष भाव संबंध हो उसके माध्यम से भी वाक्यार्थ बोध होता है। और तीसरा है प्रत्येगात्मा का लक्षण को लो और तत्पदार्थ का लक्षण दो, दोनों लक्षणों का प्रत्येक का आत्मा का लक्षण यो हो, प्रत्येक मने प्रत्येक आत्मा, आत्मा ने विशुद्ध आत्मा ब्रह्म, प्रत्येक आत्म लक्षण यो, इसे द्विवचन प्रयोग कर दिया, लक्षण यो हो, जो लक्ष्य लक्षण भाव है वह भी एक तीसरा संबंध है। इधर संबंध त्रय के प्रति प्रमाण क्या है, कहते सुनो प्रमाण जो तदुक्ताम पूर्वाचार्य का कथन है, सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध
पदार्थ प्रत्यगात्मनाम इति। प्रत्यग और आत्मा इनका परस्पर पद एवं अर्थ को लेकर के तीन प्रकार के संबंध होते हैं। एक का नाम सामराजिकरण्य, दूसरा विशेषण विशेष भाव और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। इनका विस्तार करने से पहले नीचे टीका अवतरण का लोग सुंदर है। नन जीवेश्वरयो किंचिच्चत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्टयोर अत्यंत विलक्षणयो। जीव और ईश्वर कैसे हैं? किंचिज्ञ और सर्वज्ञ। अतः विशिष्ट होने के कारण से ये परस्पर अत्यंत विलक्षण है। तत्त्वमस्यादि महावाक्यानि परस्पर वृद्धार्थ प्रतिपादकानि। इसलिए तत्त्वमस्यादि महावाक्य परस्पर वृद्धार्थ का प्रतिपादक मानना पड़ेगा। खतम अखंडैक रसं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, वे अखंडैक रस ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे कर सकती हैं? इत्याशंक्य साक्षात ऐक्य प्रतिपादकत्व भावे अपि साक्षात श्रवण शब्द श्रवण मात्र से शब्द का वाच्यार्थ को लेकर लेने से यद्यपि ऐक्यता का प्रतिपादन नहीं होता है, किंतु लक्षण या संबंध त्रेण अखंडैकार्थम प्रतिपादयन्ति। लक्षणा के माध्यम से तीन संबंधों पर आधारित होकर यह अखंडैकार्थता का ही बोध कराते हैं। इस बात का प्रतिज्ञापूर्वक इदम इत्यादि से आरंभ किया मूल कारण। सम्मत्र के स्वरूप को बता दिया, पदयोर संबंधा, पदार्थ संबंधा, लक्षणयोर संबंधा, पद पदार्थ और लक्षण तीन चीज ले रहे। पदयोर संबंधा सामनाधिकरण्य, पदार्थ और संबंधा विशेषण विषय भाव, लक्षणयोर संबंधा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो। उन्हें को विस्तार पर समझाएंगे। देखिए सामान्य अधिकरण संबंध तावत, सबसे पहले सामान्य अधिकरण संबंध को समझिएगा। यथा स्वयं देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्य सह और अयम, ये सामान्य अधिकरण दोनों पद प्रथमांत प्रयोग कर दिया। सामान्य अधिकरण कर दिया होता है व्याकरण पढ़े हो, व्याकरण में क्या अर्थ किया है सामनाधिकरण का? ये व्याकरण में है नहीं, न्याय की बात कह रहे हो। युष्मद्युपदे समनाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः, समनाधिकरण शब्द है ना, वहां पर क्या कहा? समानार्थकत्वम सामनाधिकरण्यम। कर्मधार समास के सूत्र में समनाधिकरण आया, वहाँ क्या कहा? समान विभक्तिगत्वम समानाधिकरण्य। व्याकरण में दो ही अर्थ, समान विभक्तिगत्वम अथवा समान अर्थकत्वम। जो तिंग वाच्य वही कारक वाच्य होनी चाहिए। समानार्थ लिया वहाँ पर तिंग वाच्य कारक वाचनी उपपदे स्थान्यपि मध्यमः। तिंग भी कर्ता में आया और सुमंत भी कर्ता में हो, समानाधिकरण ये वो समानाधिकरण्य। समानाधिकरण से भाव व समानाधिकरण्य क्या फर्क पड़ता? मनुष्य ही मनुष्यत्व है, मनुष्य से भाव मनुष्यत्व, मनुष्य व मनुष्यत्व भाई समान विभक्ति वाले होना चाहिए। सह में क्या है? प्रथमा एक वचन है। अयम में क्या है? प्रथमा के एक वचन है, समान विभक्ति हो गया। एकाग्रण वृत्ति क्या लेना? वो तो एकाग्रण वृत्ति चले फिर ऐक्यत्व आएगा, फिर तो बात वो आगे की बात हो गई। वो दोनों की अगर बोध्य वस्तु में आप ले जा रहे हो, देवदत्त में ले जा रहे हो। सह का वृत्ति किस में? देवदत्त में। अयम का वृत्ति देवदत्त में, वहां ले जा रहे हो। बताए कहता कि तू सिद्धांत पक्ष आ जाएगा। सामनाधिकरण व्याकरण दृष्टिया यहाँ भी प्रथम क्या है? पदयो सामनाधिकरण, अर्थ में जाना ही नहीं। अभी क्या बोला है? पदयो हो और पदार्थ हो विशेषण विशेष भाव, लक्षण हो लक्ष्य लक्षण भाव, तीनों अलग अलग चीज है। और दो पद के विषय में क्या देखा जाएगा? ये भी प्रथमांत, ये प्रथमांत है। समान विभक्तिकत्व हो गया, इसे सामनाधिकरण निकाल दिया। इसलिए सामानाधिकरण्यम क्या तात्पर्य? समान विभक्ति है, बस सह में भी प्रतिमा के एक वचन में, अयम में भी प्रतिमा का एक वचन, समान विभक्ति वाले होने से दोनों पद का समानाधिकरणता माना जाएगा। इत्यस्मिन् वाक्ये, इसे क्या हुआ यहाँ पर?
तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक स शब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम शब्दस्य एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध। अब दोनों समानाधिकरण वाले पदों को कहाँ ले जाएंगे, एक पिंड में तात्पर्य ले जाओ, लक्षणा करनी पड़ेगी उसके, बिना लक्षणा होगा नहीं। इनकी सब क्या करता है, तत्काल तद्देशावचिन कह रहा है, अयम एतद्देश एतत्काल अवचिन कह रहा है, दोनों के एक पिंड में कैसे अर्थ जाएगा, एक कारण वृत्तित्व ही जाएगा ना, बिना लक्षण का कैसे जाएगा कारण वृत्तित्व। देवदत्त में घटाना है हमें क्या करना पड़ेगा, तत्काल तद्देश इतत्काल इतद्देश को छोड़ के लक्षणा करेंगे तब। इसलिए उन्होंने क्या कहा, तात्पर्येण संबंध होता है। एतत्काल विशिष्ट जो देवदत्त वाचक अयम शब्द थे, दोनों ही विशिष्ट वाचक शब्द है, इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग होने से, समान विभक्ति प्रयोग होने से मालूम होता है इन दोनों के द्वारा कोई एक पदार्थ विशेष का बोध करना चाहता है। कौन से पदार्थ बोध कराएगा, जो समान विभक्ति जो तीसरा पद प्रयोग हुआ कौन, देवदत्त, उसको बोध कराने के लिए स और अयम दोनों प्रयोग हुआ है। लेकिन उस एक को बोध कराने के लिए परस्पर भिन्न काल भिन्न देश विशिष्ट शब्द प्रयोग हो गया तो कैसे बोध होगा, तब इनको कहना पड़ता है एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध, एक पिंड में तात्पर्य अनुपपत्ति रूपी लक्षणा के माध्यम से हम देवदत्त में ले जाएंगे, नहीं तो समान विभक्ति प्रयोग करना निरर्थक हो जाएगा। तस्यायम बोल देते नहीं तो षष्ठी बोल देते, इसे समान युक्ति प्रयोग करना निरर्थक हो करके तात्पर्य अनुपपत्ति दो ही होता है ना लक्षणा के बीच, क्या है, हाँ अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्य अनुपपत्ति, शब्दों के परस्पर अन्वय अनुपन्न हो रहा है, अन्वय की अनुपत्ति से हमें लक्षणा करनी पड़ेगी। यह अन्वय तो हो रहा है किंतु लक्ष्यार्थ बोध नहीं हो पा रहा है, तात्पर्यार्थ निश्चय नहीं हो पाया, तो तात्पर्य की अनुपत्ति के कारण से भी हम लक्षणा कर सकते हैं। और यह स्वयं में क्या है, अन्वय तो हो जा रहा है किंतु तात्पर्य घट नहीं रहा है, एक पिंडावबोधकत्व नहीं आ रहा है, भिन्न दो पिंड बोध हो रहा है, स देवदत्ता अयम देवदत्ता, वह देवदत्त की हम आवृत्ति करके अन्वय कर लेंगे, अन्वयानुपत्ति इसलिए नहीं है किंतु तात्पर्यार्थ जो था वक्ता का जो तात्पर्य है, एक देवदत्त रूपी पिंड का ही बोध कराना इष्ट है, उसको तद्देश यत्काल आदि का बोध कराना इष्ट नहीं है, तार्श तात्पर्य का बोध कराने के लिए लक्षणा करके हम ले जाएंगे उसको एक पिंड देवदत्त में। यथा तथा ठीक उसी प्रकार से तत्त्वमसीति वाक्ये अपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पद है, परोक्षत्वादि परोक्षत्व सर्वज्ञत्व यानी सर्वशक्तिमत्व अंतर्यामित्व इत्यादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट जो चैतन्य का वाचक तम पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंध, एक चैतन्य में इन दोनों का घटाना संभव नहीं है क्योंकि परस्पर विरुद्ध जो है उपाधियों से उपहित दो चैतन्य का अवबोधक ये तत्तम पद है। आज परस्पर भिन्न पदार्थ अवबोधक पदों का सामान्यीकरण जो प्रयोग कर दिया, स्वयं विभक्ति जो प्रयोग किया है, उसका तात्पर्य एक अखंड पद एक अखंड तत्व का बोध कराना था, वह तत्व कौन सा है, चैतन्य है, केवल चैतन्य, और कैसे ग्रहण होगा, लेकिन इन जो उपाधियां हैं सर्वज्ञत्वादि परोक्षत्व सर्वज्ञत्व इधर अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्व इन उपाधियों का परित्याग करना पड़ेगा। परित्याग कैसे करोगे, बिना लक्षणा का तो कर नहीं सकते, वाच्यार्थ को लेके आप कर नहीं सकते, वाच्यार्थ के इस अंश को परित्याग करते हुए लक्ष्यार्थ रूपा तात्पर्य अनुपपत्ति के आधार पर तात्पर्य समझ से हम केवल चैतन्य का बोध कराएंगे, यथा केवल देवदत्त का बोध कराए थे, ये पहला पक्ष हो गया। अब आइए नीचे, यहाँ पूरा हम टीका लेंगे ताकि जो है अच्छी तरह से समझ में आए कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना तत्त्वमसी वाक्य का विचार है, इसलिए इसको पूरा लेते हैं। वृद्ध सम्मति माह तदुक्तम इत्यादि कार्य का पदयो सामनाधिकरण्यम उदाहरणिष्ठं कृत्वा प्रदर्शी, पदों का सामनाधिकरण्यता को ही
उदाहरण में घटा करके दिखाते हुए कह रहे हैं सामनादिकरण्य संबंधस्तावद् यथा इत्यादि। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यह शब्द और एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति सामनादिकरण्य, सीधा लक्षण देख लीजिए, भिन्न प्रवृत्ति वाले दो पद है, दोनों अलग अलग है, स अलग अर्थ में आयम अलग अर्थ, तद अलग अर्थ है, तुम अलग अर्थ वाला है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यह उन्हें निमित्ता नाम बोल सकते हैं, यहाँ तो तत्वतम दो पत्ती स्वर एम दो पत्ता, इसलिए निमित्त यह हो द्विवचन प्रयोग कर दिया, नहीं तो अन्यत्र वाक्य में क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम, तीन तीन पद है, वहां क्या करोगे। इसलिए वास्तविक नियम क्या है, बहुवचनी होता है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता नाम शब्दानाम एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति सामनादिकरण्याम, ऐसा ही वास्तविक नियम है। उस नियम को बहुवचन को इन्होंने हटा के द्विवचन प्रयोग कर दिया अपने वर्तमान दृष्टांत के आधार पर। तच्चा स्वयं देवती इस वाक्य स इति तत्पदस्य तत्काल तद्देश वैशिष्ट्यम प्रवृत्ति निमित्तम, सा का प्रकृति जो तत्पद है ना, तत्पद से प्रतिमा के वचन सु आया, तत्दंसु यदादिनामा हुआ, अतोड़े परुप हो गया है ना, त और सु रह गया, तकार को तदा सावनंत्य स हो गया, ससु सकार गुरुत्व विसर्ग हो गया, सह बन गया। अतः स इस पद का प्रकृति जो तत्व है वो किसका वाचक है, वही समझा रहे तद्देश और तत्काल वैशिष्ट अर्थ को ही में उसका प्रवृत्ति निमित्त माना जाएगा। तत्पद का वर्तमान वाक्य में प्रवृत्ति के प्रति निमित्त यही है कि तद्देश और तत्काल से विशिष्ट, तद्देश तत्काल से अवच्छिन्न, यही प्रवृत्ति निमित्त है इस वाक्य में। हर वाक्य में क्योंकि सर्वनाम संज्ञक है ना, सर्वनाम संज्ञक होने के नाते स गच्छति, स गच्छति में तद्देश तत्काल थोड़ी दूंगा, कि वहां इसीलिए निर्भर होता है वाक्य में रहने वाला। कुछ होते हैं निश्चितार्थ वाले होते हैं रूढ़, वहां तो कोई विकल्प नहीं है, या सर्वनाम जिससे प्रयोग कर दिया या विकल्प है, या प्रवृत्ति निमित्त वाक्य के ऊपर निर्भर है, कौन से वाक्य में सह शब्द आया है वहां क्या उसका प्रवृत्ति निमित्त होगा वो अलग अलग होगा। वर्तमान में क्या है, इस वाक्य में तद्देश और तत्काल वैशिष्ट्यता यही प्रवृत्ति निमित्त बना है सह शब्द का प्रयोग करने में। एतत्काल और एतद्देश से वैशिष्ट्य अर्थ को और अयम शब्द से प्रवृत्तित्वम, अयम शब्द का प्रकृति कौन है, इदम, अयम शब्द का जो प्रकृति कौन है आपके, इदम, उसके प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा, एतद्देश और एतत्काल विशिष्टत्व बोध कराना। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यो हो, इसे स्पष्ट ही है, सा शब्द के प्रवृत्ति निमित्त अलग है, तम पद के अयम शब्द के प्रवृत्ति निमित्त अलग है। स्वयं शब्द और एक अस्विन देवदत्त पिंडे, एक देवदत्त पिंड का अवबोध करने में तात्पर्य संबंध सामनादिकरण वित्तीर्थ, तात्पर्य संबंधी थी तात्पर्य संबंध मैंने लक्षण या संबंध। उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिक योजती तथा च इत्यादि ना, तथा च तत्वशीति वाक्य भी परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम क्या है, तत्पद के प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है, और अपरोक्षत्व किंचिज्ञत्व आदि वैशिष्ट जो है त्वम पद का प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है। तथा च इसे दोनों के प्रवृत्ति निमित्त क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, विरोधी वस्तु हो गए, बल्कि भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यो हो तत्त्वम पदयो हो, है ना, पदार्थ ले रहे हम, पहले पदों के लेकर के सामनादिकरण होता है, पदयो हो एकस्मिन् चैतन्ये, एक चैतन्य अवबोध कराने के लिए प्रयोग होने से तारस तात्पर्य के द्वारा संबंध ग्रहण करना ही यहाँ सामनादिकरण संबंध कहा जाता है। अब उसका अगला आता है विशेषण विशेष भाव संबंध स्वरूपम बाह, ठीक है यहाँ आ गया है, लेकिन मूल तो अगले पन्ने में है, अगला पर मूल देख लीजिए। इसलिए विशेषण विशेष भाव संबंधस्तु, विशेषण विशेष भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्य, उसी स्वयं दत्त वाक्य में पहले घटा लो, विशेषण विशेष भाव संबंध कैसे होता है, स शब्द अर्थ, स शब्द का अर्थ लो अभी, केवल पद नहीं किंतु अर्थ, तत्काल विशिष्ट देवदत्त पूरा अर्थ लिया जाएगा,
तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य। और अयम शब्दार्थ क्या है? ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य पदार्थ हो गया, अन्वय हो गया ना, अभी अन्वय अनुपत्ति नहीं है अब, ये दिखा दिया कि दोनों विशिष्टार्थ बोधक अलग अलग दो हो गए, सो देवदत्ता अयम देवदत्ता दो है ये वाक्य, वास्तव में एक वाक्य नहीं बनता। सो देवदत्ता इसलिए विप्रभाकरा जी कहते स्मृति वाक्य है, अयम देवदत्ता प्रत्यक्ष वाक्य है। इन दो वाक्यों के द्वारा लेकिन हम एक अर्थ का अवबोध कराना है तो कैसे होगा? दो विशिष्टार्थ अवबोधक हो, दो विशिष्ट वाक्य हैं, उनके द्वारा एक अर्थ का अवबोध कैसे होगा? वही प्रक्रिया को बता रहे हैं। एक एतत्काल विशिष्ट देवदत्त से च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, ये क्या कर रहे हैं? अन्योन्य क्या कर रहे हैं? भेद का व्यावर्तन करते हैं, अतएव विशेषण विशेष भाषा माना जाएगा। कर क्या रहा है देख लो, अन्योन्य भेद व्यावर्तकता का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का भेद का व्यावर्तन, क्योंकि विशेषण का मतलब ही होता है व्यावर्तन करना। विशेषण का स्वभाव क्या है? इतने व्यावर्तकत्वम विशेषण तो सामान्य लक्षण ले लेंगे, विस्तृत है वो बात छोड़ो, सामान्य तो विशेषण किसको कहता है? इतने व्यावर्तक करना विशेषण, कौन किसका व्यावर्तन कर रहा है? आप कहेंगे तत्व तुम का व्यावर्तन कर दिया, और तुमने तत् का व्यावर्तन कर दिया, इसे अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर भेद जो सुनिश्चित है अब उसको व्यावर्तन कर दो। परस्पर भेद क्या है? वो परोक्ष है, जैसे वहां लेंगे, और यहाँ क्या है? तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त है कि नहीं, और देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त है। इनमें जो है अन्योन्य भेद कौन पैदा कर रहा था? तत्काल तद्देश, ये तत्काल तद्देश, ये भेद कर रहे थे, इनका व्यावर्तन कर दो तो क्या बचेगा? क्यों देवदत्त बचेगा? इसे अन्योन्य भेद जिसके कारण से थे उनका व्यावर्तकतया हम विशेषण विशेष वह संबंध मानते हैं। अच्छा, परस्पर एक दूसरे का विशेषण विशेष हो जाएंगे, स अयम का विशेषण हो जाएगा, अयम स का विशेषण भी हो जाएगा, दोनों विशेषण है, दोनों विशेष हो जाएंगे। कैसे होता है टीका विस्तार लेंगे। तथा अत्र इसी प्रक्रिया तत्मसी वाक्य में भी ले लीजिएगा पहले। तत्पदार्थ परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्यस्य, तत्पदार्थ क्या है? परोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य तक ले जाओ, और तम पदार्थ क्या है? अपरोक्षत्वाद विशिष्ट चैतन्य से च अन्योन्य भेदो, इनका ही परस्पर बेस्पष्ट दिख रहा है, उसका व्यावर्तकतया व्यावर्तक रूपेण विशेषण विशेष भाव संबंध से हम एकमात्र चैतन्य का बोध फिर करा देंगे। पदों के द्वारा भी एक पदार्थ का बोध होता है, पदार्थों के द्वारा भी एक पदार्थ का ही बोध होता है। पदों के द्वारा बोध कराने के लिए सामान्यीकरण संबंध होता है, पदार्थों के द्वारा बोध कराने के लिए विशेषण विशेष भाव संबंध होता है। देखिए अब नीचे टीका में विस्तार रूपेण, विशेषण विशेष भाव संबंध स्वरूपम वाह, विशेषण विशेष भाव संबंध स्वरूपम वाह विशेषणेति, व्यावर्तकम विशेषणम व्यावर्त्यम विशेष्यम, स्पष्ट लिख दिया। जो व्यावर्तक होता है वो विशेषण होता है, और जो व्यावर्त्य होता है वह विशेष्य होता है। तथा च स्वयं देवती वाक्य एव अयम शब्द वाच्य यो असौ एतत् काल एतत् देश संबंध विशिष्ट देवदत्त पिंड अयम स इति तच्छब्द वाच्य तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त पिंडाद भिन्नो न इति यदा, दोनों विशेषणों से विशिष्ट होकर से लगता है स पिंड स देवदत्त अलग है, अयम देवदत्त अलग है। ये स देवदत्त कौन है? तद्देश कालावच्छन देवदत्त है। अयम देवदत्त कौन है? एतद्देश कालावच्छन देवदत्त है। दोनों भिन्न भिन्न है, परस्पर भेद है, विशेषण के द्वारा परस्पर भेद सिद्ध हो रहा है। लेकिन यदा जब आप चाहेंगे इन परस्पर भेद का व्यावर्तन करके, अन्योन्य भेद का व्यावर्तन करके एक का बोध कराना है, कोई करे यदा, इसलिए कह देते यदा एतद पिंड भिन्न, जो है पिंड भेद है, पिंड एतद देवदत्त पिंड
भिन्नो न इति यदा प्रतीयते तदा क्या हो जाता है, तच्छब्दार्थस्य अयम शब्दवाच्यर्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकतया। तच्छब्दार्थ पदार्थ क्या करेगा, अयम शब्दनिष्ठ भेद का व्यावर्तन करेगा, और तम शब्द क्या करेगा, इसे उसका भेद का व्यावर्तन कर देगा। विशेषणत्वम एवं अयम शब्दार्थश्च व्यावर्त्यत्व विशेष्यत्वम, तब अयम शब्दार्थ क्या हो जाएगा, व्यावर्त्य होकर के विशेष हो जाएगा। एवमेव तथा च सैति तच्छब्दवाच्च जो है तत्काल देश विशिष्ट देवदत्त पिंड स्वयमिति इदम शब्दवाच्याद एतत्काल एतद्देश संबंध विशिष्ट अस्मात् देवदत्त पिंडात् न भिद्यते इति यदा प्रतीयते। विपरीत तरीके में ले चले जाओ तब जाओ तब क्या हुआ, तद अयम शब्द वाच्य क्या हो जाएगा, तच्छब्दार्थ एतद्वाक्य होने से विशेषण बनेगा और तच्छब्दार्थ व्यावर्त्य होने से विशेष बन जाता है, माने दोनों ही विशेषण हो जाते हैं, दोनों ही विशेष। तथा च अयमेव स एव अयम, तब क्या अर्थ निकलेगा, ये निकलेगा जो स से बोध्य वह यह है, जो यह से बोध्य वह स है। इस प्रकार का अन्योन्य भेद का व्यावर्तन करके परस्पर अभेद ग्रहण हो जाना, यही विशेषण विशेष भाव गया विशेष फल है। इसलिए अयम एव स एव अयम इति अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया स्वयं शब्दार्थयो हो सो और अयम शब्द के जो पदार्थ है वे परस्परम विशेषण विशेष भाव भवति, परस्पर विशेषण विशेष भाव होकर के एक देवदत्त का बोध करा देते हैं। और वही उक्त विशेषण विशेष भावम दार्ष्टान्तिक योजयति तथा अत्रापि इति, यहाँ भी क्या हुआ, एक तरफ पहले लो तत् से तुम शुरू करो फिर तुम से तत्व ले जाओ, कैसे तत्वशीति वाक्य अपि तम पदवाच्य जो क्या है अप्रोक्षत्वादि किंचिज्यत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, वो क्या करेगा तत् जो पदवाच्य वाच्यात् सर्वज्ञादि विशिष्ट चैतन्यात् न भिद्यते इति यदा प्रतीयते, तम पदार्थ जो है तत्पदार्थ से भिन्न नहीं है ऐसा जब प्रतीत होवे, ठीक उसी प्रकार से तत्शब्दार्थ से तुम पदार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकतया विशेषणत्व, तब क्या होगा तत्शब्दार्थ में रहने वाले पदार्थ का व्यावर्तन करने से तुम पदार्थ हो जाएगा विशेषण, और जो है तत्पदार्थ हो जाएगा विशेषण और तुम पदार्थ हो जाएगा व्यावर्त्य। ठीक विपरीत लो तथा तत्पदवाच्यम जो सर्गत विशिष्ट चैतन्य है वह तम पदवाच्याद किंचिचित्वाद विशिष्ट चैतन्याद न भिद्यते इति यदा प्रतीयते, भिन्न नहीं ऐसा जब प्रतीत होता है तदा तम पदार्थस्य तत्पदार्थ भेद का व्यावर्तक होने से तम पदार्थ वहाँ विशेषण हो जाएगा और तत्पदार्थ वहाँ व्यावर्त्य हो जाएगा, अतः विशेष बन जाएगा। तथा च तम तदसी और तत्त्वमसी दोनों तरफ हो गया, सत्वम तदसी एवं तत्त्वमसी उभयत अभेद सिद्ध हो गया, इति तत्त्वम पदार्थ्यो परस्पर भेद व्यावर्तकत्वेन परस्पर विशेषण भाव इत्यर्थः। अक्रम प्राप्त होता है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूपम निरूपितम महा लक्ष्यति, क्योंकि इस विशेषण विशेष भाव का फल क्या है, सामान्य अधिकरण संबंध का फल क्या है, दोनों पढ़ लिए फल क्या है, ऐसे होता है ठीक है होता होने से क्या, विशेषण विशेष भाव का फल यह है कि पद भेद होने पर भी अर्थैक्यता हो सकता है, यदि सामान्य अधिकरण है तो पद भेद होने पर भी अर्थैक्यता का बोध करा, ये सामान्य अधिकरण का फल, और विशेषण विशेष भाव का फल क्या है, पदार्थ भेद भ्रम है उसका निवारण करना, पदार्थ ऐक्यता का बोध कराना, ये विशेषण विशेष भाव का मुख्य फल हुआ। इसे भेद भ्रम निवृत्ति विशेषण विशेष भाव का फल है, पद भेदे अपि प्रवृत्ति मित्त भेदे अपि अर्थ का बोध कराना, ये सामान्य अधिकरण का फल होता है, और लक्षणा में भागत्याग करके सीधा बोध कराया जाता है, वो तीसरे कोटि में आ रहा है। देखिए कैसा लौटिए मूल में, इसीलिए लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध कैसे घटाओगे, तत्रैव वाक्ये उसी स्वयं
देवदत्त में पहले घटाओ, दृष्टांत में घटाओ, फिर दृष्टांत में ले आओ। सशब्द अयम शब्द हो तदर्थियोर्वा विरुद्ध तत्काल तत्क एतत्काल विशिष्टत्व प्रत्यागे न हो। हमें क्या करना पड़ेगा, सशब्द और अयम शब्द का जो तत्तदर्थ है, जो जो पदार्थ है, क्या पदार्थ था, विरुद्ध पदार्थ था, तत्काल तद्देश विशिष्ट एतत्काल एतद्देश विशिष्टत्व, उस विशिष्टत्वांश का परित्यागे न। अविरुद्धांश जो चीज है, अविरुद्धांश क्या है, केवल देवदत्त। सौ भी विरुद्धांश बोध करा रहा है, अयम विरुद्धांश बोध करा रहा है, परस्पर विरुद्धांश बोधकों को त्याग दो और केवल अविरुद्धांश मात्र का प्रतिपादन कर दो। वह अगर अविरुद्ध देवदत्त ने सह लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो, अविरुद्ध देवदत्त बोध कराने के द्वारा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध माना जाता है। और लक्ष्य लक्षण भाव का मतलब ही होता है लक्षण, क्योंकि अभिधेय बिना अभूत प्रवृत्ति लक्षण। वेदांत के सामान्य लक्षण का लक्षण क्या है, वैसे दूसरे क्या बोलते हैं, शक्य संबंधो लक्षण। और इनका कहना है शक्य का मतलब अभिधेय, शक्य को अभिधेय को एक ही चीज है, लेकिन अभिधेय का अविनाभूत प्रवृत्ति, अभिधेय के अविनाभूत प्रवृत्ति जिस शब्द का हो उस शब्द का लक्षण करने, क्योंकि तट के बिना प्रवाह का प्रवृत्ति नहीं है, या प्रवाह के बिना तट व्यवहार नहीं हो सकता। इसे गंगा पद का अभिधेयभूत प्रवाह जिसके बिना प्रयोग नहीं हो सकता, किसके बिना, लग तट के बिना, अतः तट में गंगा पद का लक्षण है। इसे अभिधेय के अविनाभूत प्रवृत्ति होती है जिसका, उसमें लक्षण होती है। ये इसलिए एक वेदांती का उनकी लक्षण थोड़ा हल्का सा है, सामान्य शक्य संबंधों को, और शक्य संबंध किसी के साथ भी जोड़ सकते थे, अविनाभूत से जोड़ना कोई जरूरी है, सामान्य लक्षण हो गया शक्य संबंधो लक्षण। आरंभिक विद्यार्थी के लिए उतना ही ठीक है, इन वेदांत में आओगे तो समझना पड़ेगा लक्षण हमें करना है, भागत्य लक्षण करना है महावाक्य में, वाक्य शक्य संबंध कहने से काम चलेगा नहीं, कि शक्य संबंध उपाधि अविद्या भी है, माया भी है, सारे शक्य संबंध ही है, तुम पदार्थ संबंध है, उनको क्यों छोड़ दिया आपने, चैतन्य क्यों ले रहे हो। आप कहोगे फिर वक्ता का तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य ये भी हो सकता है, तर्क का कोई अंत है क्या। इसे ने कहा अभिधेय के अविनाभूत वस्तु में प्रवृत्ति होती है जिसका, उसी का नाम लक्षणा होगी, और वह लक्षणा तीन प्रकार का माना गया है। एक है क्या है, जहद लक्षणा, अजद लक्षणा, जहद अजद लक्षणा, अतः दूसरा उसका नाम है भागत्याग लक्षणा। मैंने वाचार्थम अशेषता प्रत्यज तत्संबंधिनी अर्थांतर वृत्तिर जहल लक्षणा, और वाचार्थ अप्रत्यागेन तत्संबंधिनी अर्थांतर वृत्तिर अजहल लक्षणा, और वाचार्थ एक देश प्रत्यागेन एक देश वृत्तिर अर्थांतर एक देश वृत्तिर जद अजहद लक्षणा होता है। उस अजहद के लिए बोल रहे, देखिए अभी तथात्रापि पहले सामे घटाया कि स शब्द अयम शब्द यो तदर्थयोर्वा, चाहे शब्दों से लो चाहे अर्थों के माध्यम से लो, इसे दोनों ले लिया, शब्द यो हो अथवा अर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल एतत् काल विशिष्टत्व प्रत्यागेन, उन पदों में विद्यमान प्रवृत्ति के निमित्त भूता तत्काल और तत्काल को, तद्देश और तद्देश को, अथवा अर्थों का विशेषण रूपेण उपस्थित तत्काल और तत्काल इन विशिष्टत्व को परित्याग करने के द्वारा अवृद्ध जो देवदत्त है मात्र उसका बोध कराना लक्ष्य लक्षण भाव रूप संबंध कहा गया। तथा अत्रापि महावाक्य में भी तत्त्वम पदयो तदर्थयोर्वा वृद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि, तत्त्वम पदों को ले लो चाहे तत्त्वम अर्थों को ले लो, पदार्थ को ले लो, उनमें जो वृद्धार्थ बोध हो रहा है अपरोक्ष परोक्षत्व और अपरोक्षत्वादि, किचिज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि,
उनको क्या करना है, विशिष्टत्व प्रत्यागेना अविरुद्ध चैतन्य सह, अविरुद्ध जो चैतन्यांश है उसके द्वारा लक्ष्य लक्षण भाव संबंध का नाम ही, या तीसरा संबंध के द्वारा जो है एकार्थ अखंडार्थ बोध कराना, यमेव भाग लक्षणा इत्युच्यते, इसी का नाम भागत्याग लक्षणा कहा जाता है। लौटी टीका में क्रम प्राप्त लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूप निरूपयितुं मा लक्ष्यते, असाधारण धर्म प्रतिपादकम वाक्यम लक्षण वाक्यम, लक्षण किसको कहते हैं, असाधारण धर्म लक्षणम, ये तो कहना तर्क संग्रह भी पढ़ा आपने। फिर असाधारण क्या है धर्म में, धर्मगत असाधारणत्व क्या चीज पूछा गया, तब आपने विस्तार में बताया क्या लक्षितावच्छेद भिन्नत्व सती, लक्षितावच्छेद इतर बोध्य पदार्थ से नाम व्यावर्तकत्व सती, समनियतत्व धर्म का असाधारणत्व, तार समनियत धर्म का नाम असाधारण धर्म है, ये आपने पदकृति का लक्षण घटाते हुए समझाया था, तर्क संग्रह टिप्पण में भी है, मुक्तावली में तो किरणावली टीका में विस्तार पर विचार किया है। इसलिए कहते देखो यहाँ पे मैं उस सामान्य को बता रहा हूँ, असाधारण धर्म का जो प्रतिपादन करने वाला वाक्य है उसका नाम लक्षण वाक्य कहा जाता है, तत् प्रतिपाद्य जो अवशिष्ट वस्तु, उसके अंदर प्रतिपाद्य जो अवशिष्ट सामान्य वस्तु है उसका नाम लक्ष्य, तथा च स्वयं देते अस्मिन् एव वाक्ये स्वयं शब्द यो तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल तद्देश विशिष्ट एतत्काल एतद् विशिष्टत्व परिहारेण अविरुद्ध देवदत्त तत्व जो है विशिष्ट देवदत्त पिंडेन सा देवदत्त विशिष्ट देवत वाचक शब्दस्य लक्ष्य लक्षण भाव संबंध इत्यर्थः। अतः वो जो वाक्य स्वयं क्या हो जाएगा, लक्षण वाक्य हो जाएगा, और अविशिष्ट पदार्थ कौन हो जाएगा, देवदत्त लक्ष्य बनेगा, इसे स्वयं इस लक्षण वाक्यों के द्वारा लक्ष्यभूत देवदत्त का बोध कराने का नाम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हो गया। उक्तम अर्थम दार्टान्त योजयति तथात्रापि इति, यहापि तत्त्वं पदयोः अथवा तदर्थयोर्वा, तत्त्वार्थम के पदार्थों को ले लो वृद्ध, उसमें जो वृद्धांश था क्या था, परोक्षत्व परोक्षत्व किंचित सर्वज्ञत्व इत्यादि विशिष्टत्व का परित्यागेन, तत्त्वं पदाभ्याम लक्ष्य अवृद्ध तत्त्वं पदों के द्वारा या तत्त्वं पदार्थों के द्वारा जो लक्ष्य है, अवृद्ध जो चैतन्यांश है सह तत्त्वं पदयोर् लक्ष्य लक्षण भाव, तत्त्वं पदों का लक्ष्य लक्षण भाव संबंध समझो, मैंने विशुद्ध चैतन्य लक्ष्य हो गया, उसका बोध लक्षण वाक्य कौन हो जाएगा, तत् तम ये वाक्य हो जाएंगे, तदसी त्वमसी ये दोनों वाक्य क्या करेंगे, लक्षण वाक्य है, इन लक्षण वाक्यों के द्वारा विशुद्ध चैतन्य बोध कराना, लक्ष्य का बोध कराना, यही जो है लक्ष्य लक्षण भाव रूप तृतीय संबंध है समझे। अत्र तत्व पदयोर तदर्थ्योश्च त्यक्ति वृद्धांशयो, देखो तत्त्वम पद कैसे हैं, आत्मता उन पदार्थ त्यक्ति वृद्धांश लक्षण वाक्य कहे जाएंगे उनको लक्षणत्वम, और अखंड जो चैतन्य बोध हुआ उससे वो है हमारा लक्ष्यत्वम इति भाव, स्पष्ट। लेकिन शंका करने वाला कहेगा ननु तत्त्वम स्यादि वाक्यानां लक्ष्य लक्षण भाव संबंध पुरस्कारेण चैतन्य बोधकत्वम उक्तम, अन्यत्र तु शास्त्रे तेषां वाक्यानां भाग लक्षणैव चैतन्य बोधकत्वं प्रतिपाद्यते, या तो लक्षण लक्षण भाव संबंध ले रहे हो, वास्तव में कोई संबंध नहीं होना चाहिए अखंडार्थ बोध कराने में, आपने तीन तीन संबंध के माध्यम से बोध करा रहे हैं, ये तो शास्त्र के मुख्य प्रतिपादक जो भाष्यकार आदि की विरुद्ध बात है, संबंध नहीं तो होना चाहिए, ऐसा कोई पूर्व पक्षी आशंका करता है। ऐसा वाक्य नाम भाग लक्षणा के द्वारा चैतन्य बोधकत्व माना गया, तत्त्वस्य यदि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षण इत्यादि विरोधम आकाशंक्य, वहाँ इसलिए जद अजद लक्षणा नहीं है किंतु वहाँ भाग त्याग लक्षणा है, एक अंश का परित्याग करके अपरांश को ग्रहण करना, ये वास्तव वहाँ पर लक्षणा है, भाग त्याग मैंने एकांश परित्याग के द्वारा, एकांश कौन से, वृद्धांश परित्याग के द्वारा अविरुद्धांश रूप अपरांश है, अन्य अंश इतरांश है उसको ग्रहण करने का नाम भाग त्याग लक्षण होता है, वो ग्रहण करना चाहिए, कहाँ जद अजद नहीं है कौन को ले आइए, ऐसा कोई आशंका करता है
कहते भाई वास्तव बात कहना दोनों का एक ही है, संज्ञा के भेद की लड़ाई है, संज्ञा भेदो न वस्तु भेद इत्या इमेव भागलक्षण इत्युच्यते इति।